मां शारदे, मंचासीन गुरुदेव और संस्था के अध्यक्ष कुंदनलाल जी, साथ में बोर्ड ऑफ मेंबर्स और ओमवीर जी, राजेंद्र जी, मनीष जी और साथ में हंसराज जी, नरेश जी और सतीश जी, आप सभी इस सभा में उपस्थित सभी लोगों का मैं संस्था परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का जो ये कार्यक्रम जो प्रगति उत्सव के रूप में हर वर्ष युवा जागृति संस्थान आप सब लोगों के सानिध्य में मनाता आ रहा है, और उसी कड़ी में आज इस बीते वर्ष की अंतिम जो तारीख और आने वाले वर्ष को हम आगाज करते हुए हमारी संस्कृति से जुड़ते हुए इस कार्यक्रम को हम हर वर्ष इसी प्रकार आयोजित करते हैं। युवा जागृति संस्थान का प्रयास रहता है हमेशा समाज में कुछ ऐसे सकारात्मक जो प्रयास महिलाओं के द्वारा, बालिकाओं के द्वारा और साथ में युवाओं के द्वारा जो किए जा रहे हैं, उन प्रयासों को हम इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों के द्वारा समाज में एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाने का सतत प्रयास करते हैं। उसी दिशा में जिस प्रकार डिजिटल क्रांति तेजी से बढ़ रही है, तो कई सारे जोखिम भी हमारे सामने आ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग डिजिटल क्रांति में साइबर क्राइम जैसे ऐसे साल जाल जो ऐसे चल रहे हैं, जाल में फंसते जा रहे हैं, तो किस प्रकार हम इस साइबर सिक्योरिटी के इस प्रोग्राम को आप लोगों के साथ चलाकर ना सिर्फ लोगों को हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर करेंगे। आज की जो थीम आप बैनर पे देख रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी मित्र और साइबर संगिनी, जिसको हम एक थीम के साथ इस प्रगति उत्सव का हम आगाज कर रहे हैं, और हमने संकल्प लिया है कि आगामी वर्ष में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साइबर सिक्योरिटी की इस जागरूकता सेशन को हम पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे डिजिटल फ्रॉड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से लोग ना सिर्फ उसमें फंसते जा रहे हैं, साथ में काफी पैसा भी उनका जाया चला जाता है। तो क्यों ना लोग हम लोग मिलकर ऐसे कुछ साइबर सिक्योरिटी मित्र, ऐसी साइबर संगिनी हमारे समाज में आसपास में बनाने का काम करें। जिस प्रकार हमने डिजिटल सखी बनाई, स्वास्थ्य सखी बनाई, साथ में हमने सुरक्षा सखी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बनाया, सेम उसी तरह आज हम हमारे अलवर जिले के 2072 गांव में इस प्रोग्राम का आज हम एक लॉन्चिंग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से प्रत्येक गांव में हम 5 ऐसे साइबर सिक्योरिटी मित्र और 5 साइबर सिक्योरिटी संगिनी, यानी 5 महिलाएं और 5 पुरुषों को साइबर सिक्योरिटी का लक्ष्य लिए हम प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे हमारा पूरा अलवर जिला उन लोगों के माध्यम से अपने गांव में वो बाकी लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर करेंगे, ना सिर्फ उनको वो जागरूक करेंगे, साथ में समाज में वो किस प्रकार सकारात्मक तरीके से टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें। कई बार आप देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी उस तरह के झांसे में या प्रलोभन में आ जाते हैं। हमारे साथ 2 साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट आज हमारे मंच पे हैं, इसके बारे में हम उनसे ज्यादा सुनेंगे, मनीष जी और ओमवीर जी, जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ के और पूरे भारत में नहीं, हमारे देश का नाम उन्होंने पूरे विश्व में भी कायम किया है। अगर हम गूगल के बग जैसी बात की अगर बात करें, तो हमारे मानसून के ही धरा के मनीष जी ने हमारे पूरे देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे ब्लॉग का नाम उन्होंने रोशन किया है। तो एक बार उनके लिए आप लोग तालियां बजाएं। अगर हम तकनीकी की बात करें, तो पूरे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी को पहुंचाने में जब टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ओमवीर जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे हम साइंस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने की बात करें, या फिर और नए नवाचार करने की बात करें, तो सदा उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया और सतत तरीके से हम लोग आगे बढ़ते आए हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज हमारे अतिथियों को सुनेंगे, आप और हम इसी प्रकार सतत तरीके से इस प्रकार के नवाचार करते रहेंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला वर्ष जिस प्रकार हमने थीम रखी है प्रगति उत्सव, आपके लिए प्रगति लाने वाला हो। हम अपने संस्कृति, हमारे संस्कार और विशेषकर हमारे परिवार और आसपास के माहौल को हम इस तरह का सकारात्मक बनाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो थीम है, महिला सशक्तिकरण की जो थीम है, और साथ में पर्यावरण को संरक्षण की जो बात है, उन सभी को मिलके और हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ नए वर्ष का स्वागत करेंगे।
और इस वर्ष को अलविदा कहते हुए हम यही कहेंगे कि जो भूल या जो गलतियां हमसे हुई उन्हें हम समाप्त करके और नई शुरुआत नए वर्ष के पहले दिन से कल आगाज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और एक चीज ये भी संदेश मैं देना चाहूंगा कि जब हम इस तरह के उत्सव आयोजित करते हैं तो उसका मतलब यही है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े, हम अपनी जड़ों से जुड़े। जिस प्रकार एक वृक्ष अपनी जड़ों से बड़ा विशाल काय आकार ले पाता है, उसी प्रकार अगर हम अपने संस्कार, अपनी परंपराएं और हमारी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सकारात्मक और एक नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।